तो दोस्तों ये है हमारे पास आज Realme Buds T300 ईयरबड, और इस ईयरबड में काफी सारे यूजर को वन साइड नॉट वर्किंग का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि उनका जो Realme Buds T300 ईयरबड है उनका एक साइड का जो ईयरबड है वो वर्क नहीं करता है, किसी का लेफ्ट साइड वर्क नहीं करता तो किसी का राइट साइड वर्क नहीं करता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस Realme Buds T300 ईयरबड्स के वन साइड नॉट वर्किंग के प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो अगर आप सबके भी Realme Buds T300 ईयरबड्स में वन साइड नॉट वर्किंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी ईयरबड में जो वन साइड नॉट वर्किंग का प्रॉब्लम है वो 100% तक सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या, सिंपल, सबसे पहले आपको अपने दोनों ईयरबड्स को इसके चार्जिंग केस में से बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम इन दोनों ईयरबड्स को इसके चार्जिंग केस में से बाहर निकाल लेते हैं। तो दोनों ईयरबड्स को बाहर निकालने के बाद अब आपको करना क्या, सिंपल, आप सबको यहाँ पे दोनों ही ईयरबड्स में ऊपर के साइड में यहाँ पे आप सबको टच कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। तो हमने करना क्या, सिंपल, यहाँ पे दोनों ही ईयरबड्स के टच कंट्रोल के ऊपर हमने 10 सेकंड के लिए टच एंड होल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पे आप सबको किसी भी तरह का LED लाइट इंडिकेशन देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसलिए आपको करना क्या, या तो आप अपने ईयर में इसको पहन सकते हो और पहन के इसको 10 सेकंड के लिए टच एंड होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे दोनों ही ईयरबड में से एक साउंड बीप करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज हमने करना है। तो यहाँ पे मैं दोनों ही ईयरबड्स के ऊपर टच एंड होल्ड करके रख लेते हैं 10 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे जैसे हमारा 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा हमने अपना हाथ यहाँ पे टच कंट्रोल पर से हटा देंगे, और उसके बाद आप चेक भी कर सकते हो अपने कानों में लगा कि दोनों ईयरबड्स में से साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 10 सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना हाथ यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे दोनों ही ईयरबड में साउंड आ रहा है। तो अब आपको करना क्या, सिंपल, यहाँ पे दोनों ईयरबड्स को वापस इसके चार्जिंग केस में रख देना है। तो यहाँ पे हम इन दोनों ईयरबड्स को वापस इसके चार्जिंग केस में रख देते हैं, एंड चार्जिंग केस में रखने के बाद अब आपको करना क्या, सिंपल, इस चार्जिंग केस को हमने बंद कर देना है। बंद करने के बाद अब आपको करना है, सिंपल, 1 से 2 सेकंड का वेट करना है और उसके बाद हमने इस चार्जिंग केस को ओपन कर देना है। तो जैसे हम इसके चार्जिंग केस को ओपन करेंगे ठीक वैसे ही हमारा जो Realme Buds T300 ईयरबड्स में वन साइड नॉट वर्किंग का प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। तो अब आपका जो ईयरबड है वो ऑटोमेटिक ऑन होकर पेयरिंग मोड पे आ चुका है। अब आप इसे किसी भी मोबाइल डिवाइस के साथ इजीली कनेक्ट करके चेक कर सकते हो इसमें जो वन साइड नॉट वर्किंग का प्रॉब्लम था वो 100% तक सॉल्व हो चुका होगा। तो गाइस इस तरीके से आप सब अपने Realme Buds T300 ईयरबड्स के वन साइड नॉट वर्किंग के प्रॉब्लम को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस अगर आप सबको Realme Buds T300 ईयरबड्स से रिलेटेड और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।